हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप जो है कोई सा भी सैमसंग का डिवाइस जो है यूज़ करते हैं, सो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपकी सैमसंग के डिवाइस में ही वर्क करेगी। और मेरे पास जो डिवाइस है ये सैमसंग का A50 डिवाइस है और इसमें मैं ये ट्रिक करके दिखाऊँगा। और आप जो है अपने किसी भी एंड्रॉयड सैमसंग डिवाइस में जो है इसे इस ट्रिक को जो है यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ये आपकी गुड लॉक के ऊपर है। गुड लॉक में जो एक ऑप्शन आता है आपका, एक आता है यूनिट और दूसरा आता है आपका फैमिली वाला। हाँ दोस्तों, फैमिली वाला जो ऑप्शन है मैं उसकी जो एप्लीकेशन है उनकी मैं रिव्यू करूँगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन सी नहीं, और उन एप्लीकेशन का क्या यूज़ है आपके फ़ोन में, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपनी गुड लॉक वाली एप्लीकेशन पे। तो गुड लॉक वाली एप्लीकेशन जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। मैंने सभी एप्लीकेशन का यहाँ पे रिव्यू कर दिया है पिछली वीडियोस में। फिर मैं फैमिली वाले ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि प्लीज़ इनके बारे में जो है रिव्यू कीजिए, इन एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे नीचे जो आपकी आती है साउंड असिस्टेंट है। दोस्तों, साउंड असिस्टेंट का क्या काम है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। साउंड असिस्टेंट को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे सेटिंग्स के। सो आपने यहाँ पे फिलहाल तो आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि सेटिंग्स जो है पहले से हुई पड़ी हैं। और यहाँ पे कंट्रोल ऑडियो का ऑप्शन आगा आपका, इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम, यहाँ पे आप इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम का साउंड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप सेटिंग्स को चेक कीजिए अपने फ़ोन की। तो यहाँ पे आपको ड्यूल ऐप साउंड, मतलब बहुत सारे यहाँ ऑप्शन मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो इन एप्लीकेशन को आपने नहीं छेड़ना है, जो सेटिंग हुई है पहले से उन सेटिंग्स को नहीं छेड़ना है। अगर आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ वॉल्यूम्स के ट्रिक्स चाहिए तो आप जो है इन्हें यहाँ से छेड़ सकते हैं या फिर अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने वापस आ जाना है। फिर मैं जैसे ही वॉल्यूम को ऊपर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे नीचे एक देख सकते हो एक सिंपल बन जाएगा। तो मैं बैक करके जो है दोबारा से आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर साउंड वाले क्लिक किया, मैंने वॉल्यूम पे, नीचे जो है आपका साउंड असिस्टेंट वाला यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे जो है आप अपनी अलग अलग ऐप्स की अपने हिसाब से साउंड जो है सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हर एक एप्लीकेशन की साउंड जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि तो वॉल्यूम को आप बटन अप डाउन या कोई सा बटन आप क्लिक करेंगे अप या डाउन, तो ये आपको यहाँ पे सिंबल बनेगा। सिंबल पे आपने क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे साउंड असिस्टेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से जो है किसी भी ऐप का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका यूट्यूब होता है, व्हाट्सएप होता है या फिर कोई और एप्लीकेशन होती है, तो सभी का अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका एज टच। दोस्तों, एज टच वाला एप्लीकेशन जो है मैंने डाउनलोड किया लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एज डिवाइसेस के लिए, जिनकी स्क्रीन जो एज में है, जैसे कि जो सैमसंग की एज सीरीज है उनके लिए है ये दो ऑप्शन, एज लाइटिंग वाला भी। और दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन है वन हैंड ऑपरेशन, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आपके डिवाइस में, क्योंकि इससे जो है आप अपने फ़ोन को एक हाथ से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊँगा। टच विज को भी आप अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन लेवल को भी, स्वाइप डिस्टेंस को भी आप जो है अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं, और इसका क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा। पोजीशन भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि आप नेविगेशन की का बैक के लिए नीचे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो है अब डायरेक्ट जो है अपने हाथ से स्वाइप करके बैक आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो साइड से मैं इसे बैक करूंगा तो एकदम से बाहर आ गया, और ये बिल्कुल क्विकली वर्क करता है आपके फ़ोन में, और ये काफ़ी अच्छा है वन हैंड ऑपरेशन, आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है गुड लॉक में एक और एप्लीकेशन है लास्ट, उसके बारे में आपको बताऊंगा, वो है नाइस कैच। दोस्तों, नाइस कैच ये एप्लीकेशन मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है और अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जैसे मुझे पता लगेगा तो मैं वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है तो उसमें वाइब्रेशन जो है सेट कर सकते हैं, उस हिसाब की ये सेटिंग है। और शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना कमेंट बॉक्स पे ज़रूर, और बताना कि किसका क्या काम है और इसका यूज़ किसके लिए होता है। और दोस्तों, ये जो एप्लीकेशंस हैं इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप अपने फ़ोन में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ डिवाइसेस में जो है डाउनलोड नहीं होता है। तो मैं आपको लिंक डायरेक्ट नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप इजीली जाके वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो जो है अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।